हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2025 ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी करे, तो वो ही मैसेज वो ही गाइडेंस को लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। इसके लिए दो पाइल में लेकर आई हूँ ब्लू कलर। फर्स्ट पाइल वन ब्लू कलर है। अगर आपको ब्लू कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल वन चूज़ कर सकते हैं। एंड पाइल टू है येलो कलर। अगर आपको येलो कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप येलो कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पाइल वन से। जिसने भी ब्लू कलर चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। सबसे पहले तो ब्लू कलर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आप आपके पार्टनर की कोई भी बात सुनना ही ना चाहें। आपको ऐसा लगे कि यार बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत झगड़ा हो गया, अब मुझे नहीं सुनना है। तो ऐसा हो सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। जिस भी पार्टनर के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी अभी आपकी लाइफ में है, आप उनको याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं ताकि उनकी एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट कर सको। तो देखते हैं जिसके लिए भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे क्या चाहते हो। 2025 में आपकी एक्सपेक्टेशंस उनके लिए क्या होगी। विक्ट्री, आप इस रिश्ते को जीतना चाहते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि यार ये रिश्ता मेरे साथ रहना चाहिए। ये रिश्ता, पता है आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा होगा ये रिश्ता। बहुत बार आपका ब्रेकअप हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, आप लोगों ने ऐसा हुआ होगा कि एक दूसरे को बहुत याद करके और बहुत दिल आपका रोया होगा। कई बार मुझे ऐसा दिख रहा है इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल रहा है, इमोशनली बहुत स्ट्रगल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये रिश्ता चाहिए। हर बार आपने इसे मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन 2025 में आप चाहते हो कि बस पूरी तरह से ये रिश्ता मेरे साथ हो, मैं इस पे विजय हासिल करूं, इसको मैं जीत जाऊं। और हम देखते हैं फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेंट्स। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि यस, थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो आपके करियर को लेकर, आपकी वर्क लाइफ को लेकर, जिसमें आप पहले प्रोग्रेस करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि पहले मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। तो 2025 आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा कि आप और आपके पार्टनर फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड है कि नहीं है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, अभी आपको सोचना है इस बारे में। सो हो सकता है कि आपका फोकस इस चीज़ पर भी हो। डोर टू स्प्रिट, तो यस यहाँ पर आप, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ आपके कार्ड से कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में ऑलरेडी लग गए हो, डिवाइन के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो गए हो कि डिवाइन मुझे पता है कि मुझे सब मिलेगा। 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा। वैसे भी ये मंगल का साल है, तो यस आपको मैनिफेस्ट करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा तो सही, बट हो सकता है जो अभी स्ट्रगल आपने देखे हैं 2024 में, वो 2025 में कम हो जाए। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका ध्यान जो है वो पूरी तरह से अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छा बनाने पे होगा, बहुत बेहतर बनाने पे होगा। आप चाहोगे कि आपके पार्टनर जो है पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट रहें, एंड अपने करियर पे भी आपका फोकस पूरी तरह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। और मैं ये देख रही हूँ कि अगर पार्टनर के, देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यस अगर आप पार्टनर के साथ अभी ऐसा हो रहा था कि बार बार टूट रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यस ये रिश्ता आगे जाएगा। 2025 में इस रिश्ते के साथ आप कंटिन्यू रहने वाले हो, और आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने करियर में बहुत अच्छी ऊंचाइयां हासिल करते हुए दिख रहे हो, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर आपको अभी 2024 में बहुत स्ट्रगल देखे थे, आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज देखी थी अपने इस रिश्ते में, तो अब मुझे यहाँ लग रहा है कि थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है आप दोनों में। अब आप दोनों को रियलाइज़ हो गया है कि यार हम अभी बहुत सारे लेसन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो यस यहाँ पर थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अब आने वाला समय आपकी इस लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाहेंगे आपसे, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपके लिए क्या होगी।
फोर्थ चक्रा वो तो अपने हार्ट चक्रा को पूरी तरह से रिसीविंग एनर्जी में है, वो आपके साथ अपनी एक लव लाइफ को और अच्छा बनाना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर आप उनके साथ रहो, अगर आप उनके साथ कनेक्ट रहो हमेशा, आप उनके साथ बहुत लविंग एनर्जी में रहो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ा कभी कभी वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, अगर वो सुनना नहीं चाहेंगे किसी की भी, ना आप सुनना चाहोगे ना वो सुनना चाहेंगे, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, इस बात पे झगड़ा हो जाता है, आप दोनों समझना नहीं चाहते, अपनी अपनी बात पे अड़ जाते हो। बट 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जो भी अभी ब्लॉकेज आ रही थी, जो भी अभी स्ट्रगल आ रहा था, वो चीज़ें ठीक होंगी। देखते हैं आपके पार्टनर और आपसे क्या चाहेंगे। सेकंड चक्रा इस रिश्ते को देखो बना के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, इस रिश्ते को कहीं जाने नहीं देंगे। अटैचमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनको, पता है मुझे यहाँ पर एक मैसेज और यहाँ पे मिला है कि अगर आपने या आपके पार्टनर ने कभी भी कोशिश की थी कि यार चलो मूव ऑन करते हैं, अब इस रिश्ते में हम नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, या फिर हमारी बनती नहीं है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा, अगर आप दोनों ने झगड़ा करके ब्रेकअप करके और मूव ऑन करने की कोशिश की, तो आपका झगड़ा ख़त्म हो गया और फिर से आप एक हो गए। सो यहाँ पर दिख रहा है कि एक्चुअली हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आप दोनों का, इवन आपके पार्टनर की तरफ से तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो 2025 में ये चीज़ें क्लियर होंगी, उनको एक्चुअली अगर अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है ना, तो आपको और आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा 2025 स्टार्टिंग में ही कि यार हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब वो एक कनेक्शन बन चुका है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है जो नहीं ख़त्म हो सकता। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। कम्युनिटी एंड वॉकिंग अवे। अब आपके पार्टनर जो हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है 2025 में आपको लेकर अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। 777 की एनर्जी यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ही ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिटैचमेंट वो फिर से करने की कोशिश करेंगे, फिर से वो ऐसी कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा रुक जाता हूँ, सोचती हूँ, या थोड़ा रुक जाती हूँ, अभी सही समय नहीं है कुछ डिसीजन लेने का। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि वो अपनी फैमिली से बात करेंगे, आपके लिए आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब वो आगे का कदम भी उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। 2025 आपके पार्टनर, आपके क्रश, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आप हमें राशियाँ, जॉडियक साइन भी बताया कीजिए कि हमारे पार्टनर कौन से जॉडियक साइन के हो सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सारे साइन अभी इसमें आ जाते हैं कार्ड्स में, बट अगर मैं स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आपके पार्टनर हो सकते हैं। और स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, तो आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जोडियक साइन आ जाते हैं और ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें ये चीज़ कहना ठीक नहीं है कि पर्टिकुलर आपका ये साइन हो सकता है पार्टनर का, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ये सिर्फ मैंने बताया है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके क्रश की फीलिंग क्या होगी आपके लिए 2025 में। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस है, नेगेटिव बहुत कम है। सो पॉजिटिव चेंजेस है, अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि या तो कोई नया पार्टनर एंट्री कर रहा है, अगर आप अभी ब्रेकअप सिचुएशन में हो, अगर आपकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, तो एक्चुअली न्यू लव, नया पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप न्यू मतलब ब्रेकअप सिचुएशन में नहीं हो और आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और बहुत झगड़ा चल रहा था, या फिर आपको ऐसा लगता था कि यार अब इसके साथ नहीं बन सकती, तो पता है सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपके हो जाएंगे 2025 में। आप दोनों कुछ टाइम के लिए दूर रहोगे एक दूसरे से। आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा ईगो में आ सकते हैं, वो अपने इसमें आ सकते हैं कि यार
जाने दो मुझे तो कोई और मिल सकता है या मिल सकती है, या फिर देखो फूल की एनर्जी है यहाँ पे, फूल की एनर्जी कहती है कि एक ईगो में आ रहा है, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये मैंने पहले भी बोला था, वो ना सुनेंगे ना समझेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो एकदम सही है, मुझे किसी की नहीं सुननी। सो थोड़ा सा वो ईगो में आ सकते हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि यार मैं अकेला ही बहुत हूँ या अकेला ही मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा अपने आप में बदलाव लेकर आएंगे। वो कुछ टाइम के ईगो के बाद जब उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्हें कितना ज़्यादा आपसे अटैचमेंट है, वो आपके बिना नहीं रह सकते। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपके इस रिश्ते में होगी। पता है कुछ नेगेटिव टाइम आएगा, 100% आएगा, जिसमें आपको और आपके पार्टनर को लगेगा कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है यहाँ पर, ये स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। लेकिन आने वाला टाइम एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपको लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है, जो कि मेजर अरकाना के बहुत कार्ड है। कंप्लीशन का कार्ड भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है। तो कंप्लीशन का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एंडिंग आप लोगों को लगेगी, लेकिन फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी। फिर से आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि गिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा याद आएगी, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल आप दोनों को याद आने लग जाएंगे, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यस आप नहीं रह सकते उस पर्सन के बिना, और आपके पार्टनर जो है उनकी जो फीलिंग्स है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपको लेकर। इसलिए शायद वो फैमिली कार्ड आया था कि आपके पार्टनर जो है अब वो एक डिसीजन पे आ सकते हैं कि यार मुझे इस पर्सन को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, देखते हैं आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके पार्टनर को लेकर 2025 में। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर को लेकर कैसी रहेगी? कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स, इनोसेंस, नॉथिंगनेस, क्लींजिंग टू द पास्ट, एंड लास्ट कार्ड हम यहाँ पर लेंगे टू ऑफ स्वॉर्ड। ओके, जैसा कि आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए आपसे दूरियां बना रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर थोड़ा सा दूर हो गए हैं, वो आपको मतलब कि वो रियलाइज़ जब उनको होगा, वो उनको होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे आपकी तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि आप तो हमेशा से ही प्यार करते हो, आप अपने पार्टनर से दूर जाना ही नहीं चाहते। तो 2025 में कुछ टाइम के लिए सिचुएशन आ सकती है जब आपको अपने ऊपर ये सोचना पड़े कि मुझे अब अपने पार्टनर से कुछ शिकायत नहीं करनी है, मुझे उससे कुछ बात नहीं करनी है, मुझे अपने इमोशंस को नहीं शो करना है, मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है, मुझे कुछ नहीं बोलना है उसके आगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आपको भी पुरानी बहुत सारी बातें याद आने लगेगी, एंड फाइनली मुझे आपका जो रिश्ता है वो सक्सेस तरफ जाते हुए दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ का कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग है, कितना भी आप दिखाने की कोशिश करोगे, पता है अपने पार्टनर के सामने ऐसा आप फील करवाओगे कि भाई मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बदल गया हूँ या बदल गई हूँ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि आपके पार्टनर की रीडिंग से भी लग रहा है और आपके रीडिंग से भी लग रहा है, जब आप दोनों में दूरियाँ होंगी और आप दोनों एक दूसरे को ये दिखा रहे होंगे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा होगा, और उस फ़र्क की वजह से ही एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। 2025 आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी, 100% होगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं 2025 में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहेंगे, आप में क्या ऐसा चेंजेस लाना चाहेंगे, आप में क्या बदलाव लाना चाहेंगे जिससे कि उन्हें अच्छा फील हो, जो वो एक्चुअली चाहते हैं और आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को दिखाओ उनकी तरफ, उनको बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। अगर आप ईगो में रहते हो, अगर उन्होंने कुछ कह दिया आप भी उसका जवाब उल्टा दे रहे हो, अगर आप उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, तो पता है वो बातें जो है ना आपके पार्टनर को आपसे दूर कर देती है। सो वो चाहते हैं कि आप जब भी उनसे बात करो, जब भी उनसे मिलो, तो बहुत प्यार के साथ, बहुत ही इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स को दिखाते हुए आप उनसे मिलो। ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड, तो यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है कि यार हमेशा जब भी आप मिलते हो सकता है कंप्लेन करते रहते हो, बहुत ज़्यादा उन्हें हर बात को ये समझाते रहते हो कि यार तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग आपकी चलती रहती है, तो वो मत करो। आप खुश होकर उनसे मिलो, जॉयफुली आप अच्छा टाइम स्पेंड करो, आप उनके साथ अच्छा अच्छी अच्छी बातें करो। तो पता है वो यही चाहते हैं कि यार जब भी हम मिले खुश रहें,
ठीक है, वो यादगार पल क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। एट ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर चाहते हैं कि हर छोटी छोटी बात को सोचना बंद कर दो। अगर आप आपको उनकी हर एक छोटी बात बुरी लगती है, हर एक बात आपको ऐसा लगता है कि यार आपको अच्छी नहीं लग रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार तुम मुझे इतना सुना रहे हो, इतना गलत बोल रहे हो, जबकि उनके ऐसे इंटेंशन नहीं है, और शायद आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि उनके ऐसे इंटेंशन नहीं है, तो पता है उन बातों को सोचना बंद कर दो। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, उसी वक्त कह दो और बात को ख़त्म कर दो, उस बात को बार बार मत सोचो। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि पास से रिलेटेड बातें, या फिर अभी तुम्हें कोई बात बुरी लग रही है तो अगर तुम उसको सोच रहे हो तो मत सोचो। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कुछ छुपा रहे हो अपने पार्टनर से, कुछ ऐसी बातें छुपा रहे हो जो उनको जानना इंपॉर्टेंट है, तभी आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, तो पता है उनको भी छुपाना बंद कर दो। ठीक है, देखते हैं आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से 2025 में। आप क्या बदलाव लाना चाहते हो अपने पार्टनर में, क्या चेंजेस आप देखना चाहते हो अपने पार्टनर में। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ स्वॉर्ड एंड द वर्ड, ओके, आप है ना हीलिंग चाहते हो। एक्चुअली आप चाहते हो कि आपके जो पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो हील हो जाए, वो ठीक हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है आपकी लाइफ में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, या फिर कभी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको विश्वास नहीं है, तो यहाँ पर आपकी वाइफ, मतलब आपकी रीडिंग से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चाहते हो कि भाई मुझ कुछ ऐसा करो जिससे कि मुझे तुम पे विश्वास हो। अगर आप सुन रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अगर ये वीडियो शेयर कर रहे हो, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर ये चाहता है कि आप ऐसे बनो कि आपके जो पर्सन है वो आप पे विश्वास कर सके। आप उन्हें चीट मत करो, आप ये चाहते हो अपने पर्सन से। आप ये चाहते हो कि जो हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, हील हो जाए, तुमको समझ में आए कि मुझ में क्या क्वालिटीज़ है और मुझको समझ में आए कि तुम्हारे में क्या क्वालिटीज़ है। तो एक नेगेटिव एनर्जी या जो झगड़ा है उसको आप पूरी तरह से डिलीट मारना चाहते हो अपने इस लाइफ, अपनी इस रिश्ते में। ठीक है, तो यस, आप दोनों एक दूसरे से पॉजिटिव ही चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए गलत सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि एक्चुअली आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, तभी आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे और 2025 को बेहतर बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो भी अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्या वो कॉन्टैक्ट में आएंगे। ये सिर्फ स्पेसिफिक कुछ ही लोगों के लिए है जो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में है, तो सिर्फ मैं उन्हीं का जवाब दूंगी, क्योंकि कई लोग ऐसा पूछते हैं कि मैम हमारा तो नो कॉन्टैक्ट है, तो क्या कॉन्टैक्ट होगा, क्या उसी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट होगा। देखिए, उसी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाले हैं। फिर से वो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, फिर से आप दोनों में इमोशनली जो भी इश्यूज़ पहले आए थे वो फिर से आएंगे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, और वेट और मूव ऑन, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लूँगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम हमें वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिश्ते से, तो देखते हैं आपके लिए क्या जवाब है, वेट या मूव ऑन। मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए। अगर आपने मूव ऑन किया तो बहुत ही हार्ड होगा आपके लिए, आप नहीं भूल पाओगे इस इंसान को, और आपको बार बार मन करेगा कि मैं इस इंसान से बात करूँ, लेकिन बात भी नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए सही समय का, आपका पर्सन ज़रूर आपको आगे आकर कॉन्टेक्ट करेगा या करेगी। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस कि आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड किया जा रहा है 2025 में। फाइल वन, 2025 में आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड किया जा रहा है। इम्पार्शलिटी, एनलाइटमेंट, मिस्टिज्म, इनसिक्योरिटी, रिलीज एंड लास्ट कार्ड हम लेंगे अबंडेंस। ओके, पता है थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नेगेटिव आप लग रहे हो,
और स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में चल रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा पास्ट में इस इंसान ने मुझे गलत बोला था, मेरा इस इंसान के साथ अब नहीं बन सकता क्योंकि मुझे वो बातें बार बार याद आती है, मुझे अच्छा फील नहीं होता है, तो पता है सबसे पहले तो अपने आप की जो ये पास्ट की चीज़ें हैं उसको डिलीट करने की कोशिश करो, उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आपके दिमाग में ये सारी बातें भी है, तब ही आप आगे बढ़ पाओगे। एक तरफ आप इनसिक्योरिटी भी फील करते हो, पता है आपको ट्रस्ट नहीं है अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा, आपके मन में जो भी बात होती है आप उसी वक्त बता देते हो कि देखो मेरे दिमाग में ये चल रहा है क्योंकि तुम गलत हो, या फिर मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मतलब कुछ भी बात जो ऐसी बात है जो नहीं कहनी चाहिए, जिसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना चाहिए, उस बात में आपको बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातें सारी अपने पार्टनर से कह देते हो, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा पेशेंस रखो, सही टाइम का इंतज़ार करो कि आपके पर्सन सच में ऐसे हैं, पहले जान लो और उसके बाद में फिर आप बताओ कि यस आपको ऐसा फील हो रहा है। इम्पार्शलिटी कार्ड ये कहता है कि यस आप खुद ही अपने साथ गलत करते हो, आप खुद ही अपने साथ ठीक नहीं कर रहे हो, आप बार बार अपने आप को ही दुखी करते हो और फिर आपको समझ आता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ओवरऑल मैं देखूँ ना तो पहली बात तो ये कि आप थोड़ा इम्पेशेंस पर्सन हो, दूसरी बात आपको डिवाइन पे विश्वास नहीं है, डिवाइन टाइमिंग पे आपको विश्वास नहीं है, थोड़ा सा अपने टाइम डिवाइन टाइम पे विश्वास करो, आपकी चीज़ें पूरी होंगी लेकिन थोड़ा आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। अभी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, आपको ऐसा लगता है बार बार आपके साथ चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से आप इनसिक्योर भी रहते हो, कि सिर्फ एक ही रिश्ते को नहीं कई चीज़ों को खोने से आपको डर लगता है, क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली नेगेटिव माइंडसेट में हो कि क्या पता ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप सिर्फ एक ही माइंडसेट में रहोगे कि ये चीज़ मेरी ही है और मुझे ही मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी नहीं है या जो आपके लिए नहीं बनी है वो आपके पास नहीं आएगी। अपने दिमाग में सेट कर लो आपको कोई नेगेटिव फील होगा ही नहीं, राइट? तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट करो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए उसके लिए पहले से ही फील करो कि ये तो मेरा ही है, कहाँ जाएगा, राइट? जब इतना पॉजिटिव सोचोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास होगी, आपके साथ होगी। चलिए एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी कि लाइफ में क्या ऐसी चीज़ करें जिससे कि आप खुश रह सकें, अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकें, अपने आप को पॉजिटिव बना सकें। विंग्स, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है अपना कोई भी काम करने के लिए, खुश रहने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, घूमने जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लगता है कि यार कोई साथ चाहिए, तो पता है आपको किसी का साथ नहीं चाहिए। धीरे धीरे अपना काम अकेले करना स्टार्ट करो, शॉपिंग पे अकेले जाओ, घूमने अकेले जाओ, चाय पीने अकेले जाओ, अरे जो आपको अच्छा लगता है ना वो करना अकेले स्टार्ट करो, आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा फील होने लग गया है। जहाँ आप दो लोगों को सर्च करते थे कि यार आज मैं किसके साथ जाऊँ, अब आपको इग्नोर कर रहे हो आप उन सबको, क्योंकि अब आपने अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद पे विश्वास रख के खुद अकेले जीना सीख जाओ, आप देखोगे चीज़ें आपके फेवर में होने लग गई है। होपफुली पाइल वन आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और मैं फिर से कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, अगर पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है? हेलो पाइल टू, जिसने भी येलो कलर चूज़ किया है ये रीडिंग उनके लिए है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इंसान सुन रहा है, सोच रहा है और बहुत ही गहरी सोच में है, बहुत ही पेशेंस रखे हुए है, बहुत ही पेशेंसली अपने पार्टनर को सुन रहा है, देख रहा है। तो आप अपने आप के साथ ये बात ले सकते हो कि यस आप बहुत पेशेंस रखोगे इस साल, और आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो यस इस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो 2025 में। देखते हैं सबसे पहले कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहोगे, आपके पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी 2025 में।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप चाहोगे कि आपके पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताओ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो, अच्छी अच्छी बातें करो, एक यादगार पल क्रिएट करो और अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आना चाहोगे। आप चाहोगे कि जो भी समय आपको आपके पार्टनर के साथ मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला हो, आप उसको जीना चाहते हो, उस पल को जीना चाहोगे। ठीक है, द थिंकिंग वुमन एंड यिन एंड यांग बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि यस आप एक होना चाहते हो। मैंने कहा ना बहुत पेशेंस रखे हुए हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है आपको आपके पर्सन से, इसकी वजह से आप में पेशेंस है कि मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, नहीं मुझे अभी झगड़ा नहीं करना, नहीं अभी मुझे जवाब नहीं देना, मतलब ऐसे उस लेवल का पेशेंस है आप में। तो यस पाइल टू मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों की जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है 2025 में, एंड आप ये चाहोगे कि स्ट्रांग हो, आप बहुत सोच समझ के एक एक कदम बढ़ाने वाले हो, आप कुछ गलत नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा समझ आप में आ गई है, बहुत ज़्यादा लेसन ऑलरेडी आप ले चुके हो अपनी लाइफ में, 2025 में आपने बहुत लेसन लिए होंगे, अब 2025 के जो दिन हैं जो शुरू होंगे उसमें आप एक मैच्योरिटी से पेश आओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे अभी कुछ गलत नहीं डिसीजन लेना है, गलत बोलना नहीं है, गलत सोचना नहीं है। तो यस बहुत सोच समझ के आप अपने इस रिश्ते को कम्प्लीट बनाओगे, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आप रहने वाले हो और आप अपने पार्टनर से भी चाहोगे कि वो बहुत बैलेंसिंग रहे, बहुत खुश रखे आपको। अटैचमेंट, आप चाहोगे कि आपके पार्टनर भी आपको शो करे कि उसको कितना अटैचमेंट है आपसे, कितना प्यार वो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपकी कि यार अगर मेरे हो तो सिर्फ मेरे ही रहो, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एंजल ऑफ लव, बहुत सारा प्यार चाहते हो आप आपके पार्टनर से। तो ओवरऑल मैं आपके सारे कार्ड से ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो कि जो आपका रिश्ता है वो एक, अब उस रिश्ते को एक नाम मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए, बहुत सारा प्यार, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें आप चाहोगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाहेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहेंगे। पाइल टू फोर्थ चक्रा, ये पाइल वन में भी शायद यही कार्ड सबसे पहला आया था कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको भी और आपके पार्टनर को भी है। यहाँ पर पाइल टू आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने पार्टनर से चाहते हैं आपका पार्टनर भी आपसे उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहता है। बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड पे आपके पार्टनर कि यार आओ और मुझे बताओ कि क्या फील कर रहे हो, चलो आज ही हम शादी कर लेते हैं, मतलब वो वाली एनर्जी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना, एक टेलीपैथिक बातें करना एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी 2025 में, आप देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सच में ऐसा हुआ है क्या। ठीक है, और हम देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाहेंगे। तो पेशेंस, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके इस रिश्ते में, शायद बहुत ज़्यादा लेसन आप सीख चुके हो ऑलरेडी दोनों, बहुत कुछ आपको समझ में आ गया है कि ज़िंदगी क्या होती है, प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, उसको कैसे बनाए रखना चाहिए, उसमें कड़वाहट कैसे आती है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप समझ गए हो ना। तो अभी आप दोनों ही बहुत मैच्योरिटी से बिहेव करने वाले हो। द सन, एक न्यू बिगनिंग, नई एनर्जी के साथ न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे जिसमें कि बहुत सारा प्यार होगा, सक्सेस आपका रिश्ता होगा, वो सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे अपने इस रिश्ते को कि यार जो हो गया वो हो गया, एक नई शुरुआत के साथ अब इस रिश्ते में एक सक्सेस होनी चाहिए कि यस हमने सही डिसीजन लिया अपनी लाइफ का। तो वो वाली चीज़ें हैं। अगर कोई यहाँ पर मैरिड वुमन या मैरिड लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मैं ये कहूँगी उनके लिए कि उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस नए साल में। एंड अगर कोई अपने करियर के बारे में सोच रहा है तो यस उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी एग्ज़ाम वो दे रहे हैं इस साल उसमें वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, और हम देख लेते हैं क्या चाहो आपके पार्टनर आपसे क्या चाहेंगे। इन डिसीजन की स्थिति यहाँ पर क्यों आई है, चलिए देख लेते हैं कार्ड से हम यहाँ पर। ओके, डोर टू रोमांस, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रगल टाइम रहेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका जो रिश्ता ये है जिसमें आपने बहुत सारे लेसन्स आप दोनों ने देखे हैं, उसमें स्टार्टिंग में आप दोनों का टाइमिंग थोड़ा ऐसा रहा होगा जिसमें आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ा है, क्योंकि मैंने कहा ना पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है,
तो थोड़ा पेशेंस रखे हुए हो आप दोनों कि यार क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि एक दूसरे के साथ कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके कारण आप दोनों, आपके जो पार्टनर है, थोड़ा सा इंडिसीजन हो पाएंगे या फिर वो आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा पेशेंस रखो और फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 2025 में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, फाइल टू। वाओ, फ्रेंडलीनेस फाइल टू। आपकी जो ये रीडिंग है बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है और कंपैरिजन, पार्टिसिपेशन, द मास्टर एंड द फूल। ओके, पता मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर कि इतने टाइम तक अगर उन्होंने कभी भी एटीट्यूड दिखाया आपके सामने, ईगो में आए, हमेशा ये कोशिश की कि यार मैं ही जीत हासिल करूँगा इस पर्सन पे, तो मैं ही जीतना चाहिए हूँ या फिर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है, तो 2025 जो है वो देखना आप में इतने पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा कि हर छोटी छोटी बात पर आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपसे बहुत सारा प्यार करेंगे, आपको प्यार दिखाएंगे, शो करेंगे। अगर वो अब तक एक्सप्रेसिव नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो वो एक्सप्रेस करने लगेंगे अपने प्यार को। वो शादी तक इस बात को लेकर जा सकते हैं, कमिटमेंट की बात कर सकते हैं। एंड ओवरऑल में देखो तो बहुत ज़्यादा पीस में आ जाना, मतलब अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आता था ना, तो आप बहुत अच्छे से रहने लगेंगे। आप कहोगे यार मैं इसी पर्सन के साथ था पहले, या फिर 2024 इसी पर्सन के साथ निकाला था। सो आप देखोगे कि आपके पर्सन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। अगर वो आपकी सुनते नहीं थे तो अब वो आपके सुनने लगेंगे। ओवरऑल अगर वो अब तक अपनी जीत देखते थे तो वो अब आपकी जीत पे विश्वास रखेंगे कि यार तुम जीतने चाहिए हो, अगर तुम मेरे लिए सब कुछ हो तो तुम्हारी जीत होनी चाहिए, ऐसा वो सोचने लगेंगे। ट्रैवलिंग कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत सारी मुलाकातें होंगी, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, कि जैसे ही समय सही समय आएगा वो आपसे मिलने भी आएंगे। बहुत सारी चिटचैट हो सकती है ऑनलाइन, बहुत सारी बातें होती भी आप दोनों में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड द फूल का कार्ड मुझे ये भी कहता है कि यस, अब आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे अपने इस रिश्ते में। अगर अब तक दोस्ती ही चल रही थी, रिलेशनशिप में नहीं थे, तो अब रिलेशनशिप में आओगे, रिलेशनशिप में थे तो अब शादी तक की बात हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स कैसी होगी आपके पार्टनर के लिए, पाइल टू। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कैसी होगी, यू आर, वी आर द वर्ल्ड, शेयरिंग, कॉम्प्रोमाइज, ऑर्डिनरीनेस एंड पोस्टपोनमेंट। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप भी कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपकी उतनी ही रेस्पेक्ट करे जितना कि आप उनकी करते हो। ऐसा नहीं कि आप मेल हो या फीमेल हो इसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी एक रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हो। और फीलिंग्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप, आपके पार्ट, देखो 88 की एनर्जी आप दोनों की फीलिंग्स में आई है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होना हो सकता है आप दोनों के साथ, ऐसा हो 2025 में, क्योंकि आप कुछ बातें छुपा रहे हो एक दूसरे से, तो वो छुपाना आप बंद कर दीजिएगा। आप छुपाइएगा मत कोई भी चीज़, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ बताना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इम्पॉर्टेंट बात भी हमें समझ नहीं आती कि क्या हमें बतानी चाहिए थी या नहीं बतानी चाहिए थी। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कोई भी बात तो अपने पर्सन से शेयर ज़रूर करिएगा, छुपाइएगा मत, नहीं तो उस बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यस, आपकी तरफ से थोड़ा सा फीलिंग्स अप डाउन रहेगी पाइल टू, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, इतने टाइम तक तो तुमने वो प्यार नहीं दिखाया, आज सडनली वो प्यार कहाँ से आ गया। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है, जब आपसे कोई प्यार करता है तो वो दिल से ही कर रहा है। अगर वो अब तक नहीं कर पा रहे थे तो उसका भी कोई रीज़न होगा। तो अगर आपको विश्वास है तो ट्रस्ट रखें और इस प्यार को बहुत पॉजिटिवली रिसीव करें। सो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता और ज़्यादा बेहतर और अच्छा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं या नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, वो क्या चाहेंगे आपसे।
आपके पार्टनर आपसे क्या चाहेंगे, वो आपसे चाहते क्या है, सॉरी, क्या बदलाव आप में लाना चाहते हैं, क्या उनका अगला कदम होगा। फोर ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, बहुत स्वॉर्ड वाले कार्ड है सब। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट हम लेंगे सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर पता है मनी मन बहुत गुस्सा है आपको लेकर। क्यों गुस्सा है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो। उनको ऐसा लगता है कि जब प्यार दिखाना होता है तब तुम कहाँ होते हो। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हो, मिस्टीरियस पर्सन हो आप, है ना, बहुत जल्दी शो नहीं करते अपनी कोई भी बात है तो उसे मन में ही रखते हो, सहन करते रहते हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, पेशेंस बहुत है। कभी कभी ये पेशेंस का लेवल गलत जगह आप इस्तेमाल कर रहे होते हो और आपको पता नहीं होता है। आपको लगता है यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सहन करके बैठा हूँ, दो तीन दिन हो गए, पाँच दिन हो गए, पंद्रह दिन हो गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर का नेचर भी वैसा हो। अगर आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये बात आज ही हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए, फिर से न्यू स्टार्टिंग करते हैं, तो पता है वो बात इरिटेट करती है आपके पार्टनर को कि यार आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है पंद्रह दिन तक, राइट? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप में ये बदलाव आना चाहिए। आप जानते हो कि आपके पार्टनर को उसी वक्त बात का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उस बात को उसी वक्त ठीक करो, अपने आप में ये चेंजेस लेकर आओ, तभी आप 2025 को बेटर बना सकते हो, राइट? और आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जब भी कुछ भी गलत होता है, जब भी कोई भी बात होती है, जब भी हमारे बीच में हीट कम्युनिकेशन हो जाती है, इस वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर कोई भी बात हो जाती है तो आप उन्हें मनाओ, उसी वक्त उस बात का सॉल्यूशन निकालो, उसी वक्त आप उस बात को ठीक कर लो। अगर उसी वक्त भी नहीं तो एटलीस्ट एक दिन में कभी भी आपको वो चेंजेस लाने चाहिए, अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, आपके पार्टनर को मना लेना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो भी उस बात को बात तो करो, सॉरी मत बोलो लेकिन बात तो करो उस बारे में। उस बात को लेकर अगर आप 15 दिन निकाल देते हो तो वो चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखिए उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि यार उनके साथ चीटिंग हो रही है, धोखा दे रहे हो आप उनको, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शायद ये मेन इशू होगा आपके इस झगड़े का। और कई बार आपके पर्सन ने भी आपसे कहा होगा कि ये उनको अच्छा नहीं फील हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से, आपका अगला कदम क्या होगा, आप क्या बदलाव चाहते हो अपने पार्टनर में। पाइल टू, साइलेंस। देखो मैंने कहा ना आप चुप्पी रख के रहते हो, गिल्ट, आप अंदर ही अंदर सोच देते हो, पेशेंस। ओ गॉड, आपके सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं जो मैंने आपके पर्सन के कार्ड देख के बता दिया, कंप्लीशन एंड इंटेंसिटी। पता है आपका पूरा फोकस ये रहता है कि भैया खुद आ जाएगा बात करने, जिसको करनी होगी वो खुद आ जाएंगे। आप में बहुत पेशेंस है और अंदर ही अंदर अपने मन को पूरी तरह से परेशान करके रखते हो। बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दुखी वाली एनर्जी है, लेकिन आप बोलते नहीं हो। आप अपनी पूरी तरह से अपने आप को, इतना अपने अपने आप को माइंड को स्ट्रांग बना लिया है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी दिन निकाल सकते हो। अब आपको लगता है यार ये तो मेरा ही है या मेरी ही है, आ ही जाएगा, हो ही जाएगा, ठीक। पता है ये रिश्तों में सबसे बड़ी दरार होती है। अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है ना तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब है इस रिश्ते को, किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए, कि आप इतना टाइम ले रहे हो किसी से बात करने के लिए, जो अपना है, जिसको आप अपना समझते हो, उसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो और इतना टाइम ले रहे हो और उसको भी उसी वक्त इतना परेशान कर रहे हो, तो वो अपना कैसे हुआ? एक बार सोच के देखिएगा ज़रूर से, कई लोगों की आदत होती है ये। साइलेंस कार्ड यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाता है कहीं ना कहीं, कि हो सकता है कि आप एक्चुअली किसी और कोई अच्छे दोस्त हो आपसे, जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हो या फिर आपके पार्टनर करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। तो आप क्या चाहोगे कि थोड़ा आपका पार्टनर पेशेंस रखे, जब सही टाइम आएगा तब ऑटोमेटिकली बात हो जाएगी, अपनी हीलिंग करे और बहुत ज़्यादा नहीं सोचे किसी भी बारे में, जबकि आपके पार्टनर चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी चीज़ों की सॉर्ट आउट हो जाए। तो इस बात पे आप दोनों को एक्चुअली बात करनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये सवाल लूँगी, क्योंकि कई लोगों के सवाल होते हैं कि मैम हम तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या होगा। तो जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, देखते हैं क्या 2025 में उनका फिर से कॉन्टैक्ट होगा, उसी पर्सन के साथ क्या फिर से कॉन्टैक्ट होगा।
आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन लाइफ में आने वाला है और उसके साथ आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा, आप बहुत खुश रहोगे और वो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देगा। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल और है यहाँ पे कि जो भी ब्रेकअप के में चल रहे हैं क्या उन्हें वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए पाइल टू आ रहा है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए सही समय का, क्योंकि जब भी सही समय आएगा आपका पार्टनर ज़रूर आपके पास आएगा। आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, अगर आपने मूव ऑन किया तो भी आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें आपके पर्सन के आपके मन में हैं जो आपके दिल में जगह बना चुकी है, वो नहीं जा सकती, नहीं निकल सकती। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको वेट करना चाहिए। अब हम देखते हैं गाइडेंस कि 2025 के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है। पाइल टू, आपको क्या गाइड किया जा रहा है, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। कंफ्यूजन, बैलेंस, ट्रिकरी, एनलाइटमेंट, एक्सपांशन एंड लास्ट कार्ड है ग्रिफ। पता है मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, सच में ऐसा है, तो थोड़ा सा चालाक बनो। आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि थोड़ी चालाकी आनी ज़रूरी है, कि जब आप जान रहे हो, समझ रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, वो क्या सोच रहा है आपके लिए, तो पता है थोड़ा सा अपने मन को स्ट्रांग बनाओ, चालाक बनो, थोड़ा दुख से बाहर निकलो। बार बार या तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो किसी भी एक बात को लेकर, तो वो दुखी भी मत बनो। अपने मन को ये समझाओ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, कोई भी इंसान मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता और मुझे भी वो सारी खुशियाँ मिल रही है जिसका मैं हकदार हूँ, राइट। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि पता है अगर नहीं समझ आ रहा है ना, यूनिवर्स से बातें करने लगो, डिवाइन में ये विशेस पहुँचाओ कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत कॉन्फिडेंट बन गई हूँ या बन गया हूँ, मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलने लग गई है, सब मुझसे बहुत सारा प्यार करने लग गए हैं। आप अगर ये अफर्मेशन पहुँचाते हो यूनिवर्स में कंटिन्यू, तो पता है आप बैलेंस कर पाओगे रिश्तों में। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी भी रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको, आपसे बातें करके और आपको उलझा देते हैं, आपको बेवकूफ़ बना देते हैं बहुत आसानी से। सो, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत रहो, आपके दिल को जो खुशी देती है, आपके अंतर मन की जो आवाज़ है उसको सुनो और उसी तरह आप रिएक्ट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा पेशेंस रखो और उसके बाद आप उस बात को लेकर रिएक्शन दो, बट कुछ भी इंस्टेंट मत करो और किसी की भी चालाकी का शिकार मत बनो। थोड़ा समझो, अपने इंट्यूशंस बढ़ाओगे ना, इंट्यूटिव बनोगे, थोड़ा मेडिटेशन करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन आपके साथ सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, तो उस पर ज़रूर फोकस करो। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं आपके लिए एक मैसेज कि क्या करने से आप खुश रहोगे, एक्चुअली क्या करना चाहिए, किस तरह अपनी हीलिंग करनी चाहिए। फगीव, यस, मैंने कहा ना आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो किसी बात को लेकर, अगर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप सोच सोच कर आपको गुस्सा आता है, आपको ऐसा लगता है यार मैं इस इंसान को माफ़ नहीं कर सकता, तो पता है आपने क्या कर रखा है, उसकी एनर्जी के साथ खुद बंधे हुए हो। जाने दो, जो जितना लाइफ में रहेगा उतना रहेगा, नहीं रहेगा तो जाने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, शायद किसी नई अच्छी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाओ बहुत जल्दी, राइट। आप क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो, क्योंकि यहाँ से आपने कोड कट ही नहीं किए अभी तक, तो दूसरों से कनेक्ट होने के लिए पहले पुराने कोड को कट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि डिस्कनेक्ट करो लोगों से, जिस जो जा रहा है लाइफ से उसे जाने दो, फगिव करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो पाइल टू ये थी आपकी रीडिंग, रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।